नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शेयर चार्ट पर किसी को भी मैसेज कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शेयर चार्ट पर किसी को भी मैसेज करने के लिए, उनको मैसेज भेजने के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने फ़ोन में शेयर चार्ट को ओपन करना है। तो चलिए शेयर चार्ट को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर बहुत सारा अकाउंट दिखेगा। अब आपको यहाँ पर जिनको भी मैसेज करना है, सिंपल आपको उनके नेम पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में यहाँ पर आपको एक मैसेज का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैसेज बॉक्स ओपन हो गया है। तो अब आपको क्या करना है कि मैसेज सेंड करने के लिए यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट में मैसेज आ रहा है, अगर इसको आप भेजना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरह से इसको सेंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप अपने मनपसंद का कोई भी मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मैसेज बॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी चीज़ यहाँ पर आपको टाइप करना है, जो भी मैसेज सेंड करना है वो आपको डाल लेना है। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर हम हेलो भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम हेलो टाइप कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर हम सेंड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैसेज जा रहा है। अगर यहाँ से वो ऑनलाइन होंगे, वो रिप्लाई देंगे, तो वहाँ से हमको भी मैसेज आएगा। तो इस तरह से आप शेयर चार्ट से किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।